भाजपा प्रभारी मुरलीधर राव के बयान को लेकर सियासी हलचलें तेज हो गई हैं। भिंड में कांग्रेस जिला अध्यक्ष मान सिंह कुशवाहा के नेतृत्व में भाजपा प्रभारी का पुतला दहन किया गया। साथ ही कांग्रेस जिला अध्यक्ष मान सिंह कुशवाहा ने कहा कि भाजपा के प्रदेश प्रभारी ने ऊंचे वर्ग के लोगों के ऊपर जो बयान दिया है वो निंदनीय है। भाजपा हमेशा जातिगत राजनीति करती है जिसका कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। इसी को लेकर भिंड में कांग्रेस जिला अध्यक्ष मान सिंह कुशवाहा के नेतृत्व में युवा नेता राहुल सिंह कुशवाहा सुरेश सिंह बाराकला के साथ कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने परेड चौराहे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा प्रभारी मुरलीधर राव का पुतला दहन कर नारेबाजी की। बड़े वर्गों का अपमान करने का इन्होंने जो काम किया है ये निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है और इस पे इस देश के प्रधानमंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और यहाँ के प्रभारी मुरलीधर राव जी को सब लोगों को इस देश के बड़े जो जो समुदाय हैं इनसे सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी इस बात की घोर निंदा करती है। इस प्रकार का राजनीतिक जीवन में इस प्रकार का कभी भाव नहीं होना चाहिए कि किसी वर्ग विशेष को तुम नीचा दिखाने का काम करो, किसी वर्ग विशेष को अपनी जेब में अपनी पॉकेट में रखने की बात करो। इसके लिए मैं मुरलीधर राव की शब्दों की घोर निंदा करता हूँ। आज जिला कांग्रेस पार्टी के तत्वावधान में उनका पुतला दहन का भी कार्यक्रम सम्पन्न कराया गया। ऐसी देश में ऐसे नेता जो कहीं ना कहीं जाति और धर्म पर लोगों को बांटने का काम करते हैं उन्हें इस देश में रहने का कोई वो नहीं है। इस बात के लिए कांग्रेस पार्टी ने निंदा की है और उनका पुतला दहन का भी कार्यक्रम।